ये देखिए किस तरीके से ये जो वाहन है ये बिल्कुल पहाड़ी से टकरा गया। यदि अनियंत्रित होता तो गहरी खाई में गिर सकता था, ऐसे में जो है बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखिए किस तरीके से वाहन को नुकसान हो रहा है, इसको खींचा जा रहा है वाहन को, और पूरा इसका एक साइड का जो हिस्सा है पूरा पहाड़ी से टकरा रहा है, इसे जो है लोडर के द्वारा जो है खींचा जा रहा है। ये गंगोत्री नेशनल हाईवे है और भटवाड़ी से ऊपर यानी कि गंगनानी के पास से होते हुए ये मार्ग चल रहा है, लेकिन काफी संकरा है ये। जहाँ जो है चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत बद्रीनाथ में, यमुनोत्री में और इसी गंगोत्री रोड में भी काफी काम किया जा चुका है, लेकिन ये वाला जो पैच है ये बिल्कुल अधूरा है, इसमें अभी तक कोई काम नहीं किया गया। और ऐसे में जो है आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहूंगा आगे दिखाएं कितनी नैरो सड़क है। एक बस भी हमारे सामने एकदम जो है वो बिल्कुल पहाड़ी से जो है सटी हुई है, क्योंकि उसको जो है जगह नहीं मिली और वो लुढ़क गई यानी कि पहाड़ी से टकराई हुई है। अब आप ये देख सकते हैं कि इतनी नैरो सड़क में सैकड़ों वाहन कैसे आवाजाही कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये खामी जरूर देखने को मिल रही है कि जहाँ पर चौड़ीकरण किया जाना चाहिए था वहाँ चौड़ीकरण नहीं हुआ है, और इसका खामियाजा जो बाहर से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उन लोग को भुगतना पड़ता है। भौगोलिक परिस्थिति वाला एरिया है और यहाँ पर सड़क का चौड़ीकरण होना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो ऐसे में जो वाहन यहाँ से आवाजाही करते हैं वो दुर्घटना के शिकार अक्सर होते हैं। हर यात्रा काल में अगर पिछले सालों की अगर तुलना की जाए तो पिछले सालों के आंकड़ों को अगर खंगाला जाए तो उस दौर में भी इसी मार्ग पे बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई है। अभी हाल में ही एक एक एक, एक छोटा वाहन वो इन्हीं पहाड़ी से जो है लुढ़क करके गंगा नदी से करीब 20 मीटर पहले जो है एक पत्थर पर अटक गया। अगर वो वाहन सीधे गंगा नदी में चले जाता तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। हालांकि उस वाहन के सभी यात्री सुरक्षित निकले और उनको जो है सुरक्षित स्थान गंगोत्री धाम की ओर भेज दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक ये परेशानी का सबब बना हुआ है। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक पहाड़ी पे एक वाहन जो है वो टकरा करके लुढ़का हुआ है और बीआरओ के लोग जो है उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। रोड की स्थिति इतनी खराब है, जहां पर चौड़ीकरण किया जाना चाहिए था वहां चौड़ीकरण हुआ नहीं, और उसका खामियाजा जो बाहर से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं और उनके वाहन है उनको भुगतना पड़ता है। ये देखिए किस तरीके से ये जो वाहन है ये बिल्कुल पहाड़ी से टकरा गया। यदि अनियंत्रित होता तो गहरी खाई में गिर सकता था, ऐसे में जो है बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो बीआरओ की, क्योंकि ये सीमा सड़क संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मे इस सड़क का रख रखाव है, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बीआरओ की भी बन जाती है। बीआरओ के द्वारा संजीदा होकर के यहाँ पर काम नहीं किया गया और उसका खामियाजा तीर्थयात्री के वाहनों को भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ तीर्थयात्री ही दुर्घटना के शिकार होते हैं, इसमें जो स्थानीय लोग हैं स्थानीय लोगों के वाहन भी दुर्घटना का शिकार होते हैं। आप यही के स्थानीय निवासी हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? मैं आपदा स्वयं सेवक राजेश रावत हूँ। और जब भी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में जो भी मानवीय एवं प्राकृतिक आपदा होती है तो उसमें जो मैं निस्वार्थ भाव से जो वर्ष 2006 से है जो कार्य करता हूँ। अच्छा राजेश जी, ये दुर्घटनाएं होती हैं यहाँ पर और अभी भी ये बस यहाँ पे टकराई हुई है जी, किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? सर देखिए कहीं ना कहीं पे ये जो बीआरओ है और बीआरओ आप देख सकते हैं कि बीआरओ के जो पहले जो पत्थर बिछाए जाते थे, पत्थर के ऊपर जो मिट्टी डाली जाती है, इस बार क्या कि सिर्फ मिट्टी डाल रखी है। जैसे वाहन रोड के थोड़े से किनारे अगर पास करने के लिए जाता है, जैसे दूसरा वाहन आता है पास करने के लिए जाता है, वैसे जो गाड़ी है जो पहाड़ी की ओर है जो गिर जाते हैं, जिस कारण जो गाड़ियों में भी काफी दिक्कतें आ जाती है, जिस कारण काफी गाड़ियां जो स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं और तीर्थयात्री जो काफी भयभीत हो जाते हैं इस अच्छी भयावह दृश्य को लेकर। ये देखिए किस तरीके से वाहन को नुकसान हो रहा है, इसको खींचा जा रहा है वाहन को, और पूरा इसका एक साइड का जो हिस्सा है पूरा पहाड़ी से टकरा रहा है, इसे जो है लोडर के द्वारा जो है खींचा जा रहा है। तो ये देखिए ये सड़क की स्थिति देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है पत्थर डाले गए हैं। इसे जो है इससे जो है जो ड्राइवर है वो बिल्कुल भ्रमित हो जाता है, उसका ये मन, पुलिस कर्मी भी कहते हैं कि आप साइड से एक किनारे से आप चलिए तभी दूसरी वाहन को पास मिल पाएगा, लेकिन ड्राइवर को ये नहीं पता होता कि जिस तरफ पुलिस कर्मी उसको साइड लगा रहे हैं वो स्थान सुरक्षित है भी या नहीं। तो कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े होते हैं वो बीआरओ पे भी खड़े होते हैं, तो पुलिस के जो यहाँ पर नुमाइंदे जो तैनात रहते हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। जब वो स्वयं सेटिस्फाइड नहीं है कि ये स्थान सुरक्षित
संचित है, फिर वो क्यों और किस कारण से पहाड़ी की साइड पर जो है वाहनों को निकलने को कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना वाला विषय है। समय रहते सरकार को, प्रशासन को संजीदा हो करके ऐसे स्थानों को डेंजर जोन के रूप में चिन्हित करना होगा।